हेलो बच्चों, कैसे हो? एकदम चंगा, एकदम झकास। स्वागत है आप सभी का आपके इस प्यारे से चैनल पे जिसका नाम है डीएनएस, बोले तो एम ए स्टडी। ठीक है, सिंपल, सरल और आसान शब्दों में। और बताओ क्या है हालचाल? एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत विक्कत, परेशानी वरसानी, तकलीफ, दुख दर्द पीड़ा नहीं है? होना भी नहीं चाहिए जिंदगी में, दुख दर्द पीड़ा नहीं होना चाहिए। और पीड़ा से मुझे याद आया कि मैं अच्छा मार्कर लाया हूँ। ठीक है, थैंक गॉड। चलो अच्छा ये बताओ कि हम पढ़ क्या रहे थे, जरा स्वागत करो जल्दी बताओ। फर्स्ट पार्ट पढ़ क्या रहे थे? अच्छा, न्यूटन मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। हाँ बिल्कुल, जो बच्चे नए आए हैं उनके लिए बताते चलें कि हम बेसिकली जो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे हैं उनको जो न्यूटन मैकेनिक्स का जो पोर्शन है वो मैं कंप्लीट करा रहा हूँ, जो आपका पार्ट बी है। और पार्ट बी के अंदर जो हमारा सेक्शन है वो बेसिकली हमारा है, आज हमारा 6 यूनिट है, जिसको 6 यूनिट का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है जो कि अपलोड हो चुका है। तो बच्चे नए हैं अगर यहाँ से देखना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन है कि वो 5th यूनिट का सारा वीडियो देख के आइए। ठीक है, और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट 6 यूनिट का जो वीडियो स्टार्ट हुआ है फर्स्ट लेक्चर, ये लेक्चर सेकंड है आज का, तो फर्स्ट लेक्चर कम से कम आप लोग देख के आइए, क्योंकि जब तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देख के आएंगे चीजें क्लियर नहीं होंगी, जब तक क्लियरिटी नहीं आती है फिर बाद में दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है बेसिकली वो हमारा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे, और हम डिफाइन करेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, यानी आघूर्ण और हमारा कोणीय संवेग के बीच में जो संबंध है, एक रिलेशन है, उसको हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। फिर किन किन परिस्थितियों में, किन किन सिचुएशंस में, बेसिकली एक ही सिचुएशन होता है, एक ही परिस्थिति होती है, उस सिचुएशन में कब हमारा एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहता है, बेसिकली इस चीज पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। जब ये चीज हम डिराइव कर लेंगे तो फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे और देखेंगे जब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, यानी कि अब एक रिजिड बॉडी की बात नहीं कर रहे, अब एक पार्टिकल है, अब एक रिजिड एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, यानी कि एक ऐसा सिस्टम है जिसके पास, जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, अब उस सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम लिखेंगे, फिर टॉर्क डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा इस लेक्चर का आउटलाइन है, इसमें हम आज ये डिस्कशन करने वाले हैं। तो थोड़ा सा अगर पिछले लेक्चर के अंदर चले कि लेक्चर 1 में क्या पढ़े थे, तो थोड़ा सा जहां तक मुझे याद आ रहा कि हमने सबसे पहले रिजिड बॉडी बताया था कि रिजिड बॉडी होता क्या है। यूपी बोर्ड वाले बच्चे जो हिंदी मीडियम के वो कहते हैं कि सर इसको दृढ़ पिंड बोलते हैं। दृढ़ पिंड का मतलब है समथिंग हैविंग हार्ट, जो भी चीज कुछ हार्ट टाइप का हो उसको हम दृढ़ बोल सकते हैं अपनी भाषा में। और फिजिक्स की भाषा में कैसे बोलते हैं, कहते हैं ऐसा कोई बॉडी जिस पे हम फोर्स अप्लाई करने के बाद उसका शेप और साइज ना बिगड़े, यानी डिफॉर्मेशन जो हो, यानी बिगड़ने की जो दशा है वो जीरो, यानी बिगड़े ही ना, डिफॉर्मेशन, ठीक है, पुनर्निर्माण की जो दशा है वो जीरो, मतलब बिगड़े ही ना, डिफॉर्मेशन जीरो हो, या कह सकते हैं कि नेग्लेजिबल हो, या दूसरों शब्दों में कहें कि हम जानते हैं कि जो रिजिड बॉडी होती है वो बहुत सारे छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी होती है। फिजिक्स कहता है कोई भी बॉडी होती है वो छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बनी होती है, तो रिजिड बॉडी भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होगी, नन्हे मुन्ने। ठीक है, अगर दो नन्हे मुन्ने पार्टिकल के बीच का अगर जो डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस है, यानी कि जो उनका संबंधित दूरी है ना, सापेक्षिक दूरी है, रिलेटिव डिस्टेंस है बेटा, अगर वो ना चेंज हो, ठीक है, ऑन द अप्लाइंग ऑफ फोर्स, जब कोई फोर्स अप्लाई कर रहे हो एक फिक्स टाइम इंटरवल के लिए, जब उनका डिस्टेंस जो है उसमें चेंज नेग्लिजिबल हो या फिर ना चेंज हो, तो बोलते हैं कि वो बॉडी जो है वो हमारा रिजिड बॉडी के अंदर आती है। ठीक है, और कल का जो लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने ये बताया था कि बॉडी किसे कहते हैं, ठीक है, फिजिक्स की भाषा में तो मैंने बताया कलेक्शन ऑफ मैटर विच इज डिफाइंड इन वेल बाउंड्री, जब एक मैटर का एक कलेक्शन होता है जिसको एक वेल डिफाइंड बाउंड्री के अंदर हम डिफाइन करते हैं, तो उसको हम उसको बॉडी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, और अगले इसके जस्ट आगे हमने पढ़ा था, हमने बोला था टॉर्क, टॉर्क क्या है, टॉर्क इज जस्ट लाइक अ फोर्स, जिसको मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं ना, इसका एक और नाम है मोमेंट ऑफ फोर्स, तो कभी कभी क्वेश्चंस में टॉर्क ना बोल के मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोल दिया जाता है ना, तो याद रखना टॉर्क, टॉर्क मीन्स मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क सबसे पहले एक वेक्टर क्वांटिटी है, टॉर्क है क्या, उसका मतलब क्या है, टॉर्क इज जस्ट लाइक अ फोर्स, टॉर्क जो है वो फोर्स के बराबर है, बल के बराबर है। आप पूछेंगे सर बल, बल तो वही पढ़ते हैं जब कोई पार्टिकल एक रेखीय गति करता है, रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन करता है, तो हम बोलते हैं अगर कोई पार्टिकल है एम मास का है, अगर उसको एक्सिलरेट कराना है, उसको त्वरित कराना है, तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स विच इज कॉल्ड एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, एफ बराबर एम इंटू ए के रिलेशन से हम बता सकते हैं कि अगर कोई एम मास का पार्टिकल ए एक्सिलरेशन से एक्सिलरेटेड है उस पर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, लेकिन ये बात करते हैं जब कोई पार्टिकल एक रेखीय गति करता है, जस्ट लाइक अ वन डायमेंशन या जस्ट लाइक अ मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, रेक्टिलिनियर मोशन प्रोपागेट करता है। लेकिन अगर कोई पार्टिकल रोटेट कर रही है, किसी एक्सिस के अबाउट कोई पार्टिकल रोटेट कर रही है या घूर्णन कर रही है, तो उसके लिए कौन सा फोर्स होगा, क्या एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन लिखेंगे, दैट्स रॉन्ग। तो उसके लिए जो फोर्स आता है, जो किसी पार्टिकल को रोटेट कराने के लिए जो फोर्स जरूरी होता है, उस फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क, और टॉर्क बराबर हमने लिखा था, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ,
स्टॉक एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, स्टॉक बराबर आर क्रॉस एफ, क्योंकि दो वेक्टरों का जब भी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, और स्टॉक बराबर आर क्रॉस एफ। और हमने ये देखा था कि अगर इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे टॉर्क बराबर आर एफ साइन ऑफ थीटा। मैंने बोला था दो सिचुएशन पे हमारा ये टॉर्क जीरो होता है, कब, जब ये पोजीशन वेक्टर जो कि ओरिजिन से पार्टिकल का सिचुएशन बताता है, पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच का अगर एंगल जीरो डिग्री हो जाए या 180 डिग्री हो जाए, दैट मींस साइन जीरो जीरो, साइन 180 की वैल्यू जीरो होती है, इसका मतलब टॉर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमारा जीरो का होगा। ये हमारा टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा कब, जब हमारा एंगल आर और एफ के बीच का जो एंगल है जो थीटा है वो जीरो डिग्री हो जाए, यानी जो आर है और जो हमारा एफ है, यानी जो हमारा पोजीशन वेक्टर है और हमारा जो फोर्स का जो वेक्टर है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में हो या एंटी पैरेलल हो, यानी अपोजिट डायरेक्शन में हो, तब लगने वाला टॉर्क जीरो होता है। और दूसरा सिचुएशन कब है कि जब पार्टिकल ओरिजिन पे ही सिचुएटेड हो, यानी कि उसका आर वेक्टर जीरो हो जाए, तब हमारा उस पर क्या होता है, टॉर्क जीरो होता है। और किस केस में मैक्सिमम टॉर्क लगता है, अधिकतम घुमाव कब लगता है, अधिकतम आघूर्ण कब लगता है, कहते हैं जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाता है, यानी पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में जब एंगल 90 डिग्री होता है, दैट मींस अगर ये पोजीशन वेक्टर है, अगर ऐसे परपेंडिकुलर कोई फोर्स लगाएंगे तो ये पॉइंट ये क्या करेगा, रोटेट कर जाएगा, ऐसे फोर्स लगाएंगे तो रोटेट कर जाएगा, दैट मींस टॉर्क मैक्सिमम होता है जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है। इतना हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इसका हम लोगों ने डायमेंशन देखा था, इसका यूनिट देखा था, वो हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था। एक और चीज थी, हमने बोला था एंगुलर मोमेंटम, क्या था बेटा एंगुलर मोमेंटम को हम लोग अपनी भाषा में कोणीय संवेग के नाम से जानते हैं। सभी लोग को ये पता है कि जब कोई पार्टिकल लीनियर मोशन करता है तो एक मोमेंटम आता है, इसको लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब कोई पार्टिकल एक रेखीय गति करता है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन करता है, तो उसका एक क्या आता है, एक मोमेंटम आता है, इसको लीनियर मोमेंटम के नाम से जानते हैं। और लीनियर मोमेंटम क्या होता है, पी इक्वल टू जस्ट एम इनटू वी, मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। जब मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो मोमेंटम के बराबर हो जाता है। लेकिन अगर मैं पूछूं कोई पार्टिकल अगर रोटेट कर रही है किसी एक्सिस के अबाउट, किसी अक्ष के परितः, वो क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, रोटेट कर रही है, तब उसका मोमेंटम बताओ, तो क्या उसका मोमेंटम पी ही रहेगा जो कि हमने डिफाइन किया था लीनियर मोशन के लिए? नहीं। अब यहां जो मोशन है वो रोटेशन मोशन हो रहा है, तो यहां भी एक प्रकार का मोमेंटम आएगा। वो जो मोमेंटम होगा, जो पार्टिकल के रोटेट होने की वजह से जो मोमेंटम आता है, घूमने की वजह से जो मोमेंटम आता है, उस मोमेंटम को बोलते हैं हम एंगुलर मोमेंटम, यानी कि कोणीय संवेग। किसी किसी बुक में इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैपिटल जे, ठीक है, और किसी किसी बुक में इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका मन, हमने यहां जे से रिप्रेजेंट किया है, कभी कभी आपको एल लिखा हुआ मिल जाए तो उससे आप परेशान मत होइए, क्योंकि आगे जब आप डील करेंगे, जब आप एटॉमिक फिजिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बार बार यही मिलेगा, एल इक्वल टू क्या, हमारा एल इक्वल टू एम वी आर आपको मिलेगा। आपने पढ़ा भी होगा वो नील्स बोहर का, आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी कि एंगुलर मोमेंटम एच अपॉन टू पाई का मल्टीपल होता है, तो वहां पे एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एल बराबर एम वी आर होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने, ये पिछले क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कशन किया था। थोड़ा सा फार्मूला लिखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम डिस्कशन करना चाहें पिछले क्लास में फार्मूला का डिस्कशन करना चाहें, तो टॉर्क बराबर क्या आया था, एक मिनट बेटा, टॉर्क बराबर क्या आया था, इसको इरेज करूंगा, ठीक है, एक मिनट पेशेंस रखो, ठीक है। यहाँ टॉर्क बराबर क्या आया था बेटा, टॉर्क बराबर हमारा आया था वेक्टर आर, यानी पोजीशन वेक्टर क्रॉस। अच्छा, कुछ बच्चों को पोजीशन वेक्टर लिखने आता है कि नहीं आता, देखो ये जानना जरूरी है, तो मैं पोजीशन वेक्टर लिखना बता दे रहा हूँ। मान लो कोई पार्टिकल है ऐसे है, ठीक है, एक्स वाई जेड प्लेन में है, ठीक है, एक्स वाई और ये जेड प्लेन है, तीन है ना, एक्स वाई जेड, एक्स क्रॉस वाई और ये जेड आएगा, ये जो होगा ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। यहाँ पे कोई पार्टिकल सिचुएटेड है, मान लो एक्स वाई जेड प्लेन में है और इसका कोऑर्डिनेट है बेटा एक्स का मा वाई का मा जेड, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है, इसका लोकेशन है इस पॉइंट का, मान लो कोई पॉइंट है एम मास का है, अगर इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहोगे, यानी ये बताना होगा कि ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर है, तो जस्ट एक एरो लगाओ इधर की तरफ, ये हमारा पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन है, और ये जो लंबाई होगी इसको आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करोगे बेटा, इस आर वेक्टर की वैल्यू होगी जो भी तुम्हारा कोऑर्डिनेट लिखा होगा ना, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड है, एक्स के साथ आई लगा दो बेटा, ठीक है, और वाई के साथ जे लगा दो, और के साथ क्या लगा दो बेटा, जेड के साथ क्या लगा दो, के कैप, जस्ट लाइक दैट, ये पोजीशन वेक्टर आप लोगों ने लिख लिया। तो जो भी कोऑर्डिनेट होगा, जैसे चार कामा तीन कामा दो होगा ना, अगर हमारा कोऑर्डिनेट पार्टिकल का लोकेशन है, अगर ऐसा चार कामा तीन कामा दो, तो उसका पोजीशन वेक्टर लिखना है ना, ये पार्टिकल का लोकेशन है, पार्टिकल का पी पॉइंट का लोकेशन है, अगर इसका पोजीशन वेक्टर लिखना होगा तो आर वेक्टर अगर इसका लिखना चाहोगे तो ये फोर के साथ आई लगा दो, ठीक है, थ्री के साथ जे लगा दो, और इसे जेड वाला जो है यानी टू है यहाँ पे के लगा दो, ये तुमने पोजीशन वेक्टर लिख लिया। तो बहुत आसान है, जो भी हमारा कोऑर्डिनेट दिया होगा उसमें आई जे और के कैप लगा के आप वहां से जोड़ के आप हमारा पोजीशन वेक्टर लिख सकते हैं,
तो टॉक से हमारा ये मिला, टॉक बराबर इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं और टॉक आ गया और हमको इसको डायरेक्शन दिखना होगा, तो हम बताते हैं कि आर वाले वेक्टर की तरफ अपने ये इस चारों उंगली करो, एफ की तरफ कर्ल करो, तो अंगूठा जो बताएगा वो टॉक का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। इसी तरह हमारा जो एंगुलर मोमेंटम आ गया वो जे बराबर क्या आया था बेटा, जे बराबर आया था वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी वेक्टर, है या स्मॉल पी या कैपिटल पी जो आपका मन करे, लेकिन ये पता है कि पी फॉर मोमेंटम होता है वो लीनियर मोमेंटम, पी बराबर एम इनटू वी। अच्छा मोमेंटम का डायरेक्शन देखना होता है ना, अगर मोमेंटम का डायरेक्शन देखना होता है पी बराबर क्या होता है बेटा एम इनटू वी वेक्टर, मोमेंटम का डायरेक्शन देखना होता है तो तुम वी का डायरेक्शन देख लो, अगर जो वी का डायरेक्शन होगा वही मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, अगर वी इधर होगा तो पार्टिकल का मोमेंटम भी इधर होगा, वी इधर होगा तो पार्टिकल का मोमेंटम भी इधर होगा, वी इधर होगा तो पार्टिकल का मोमेंटम भी इधर होगा, ठीक है। तो जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा उधर मोमेंटम का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अगर इसको हम और आइडेंटिफाई करना चाहें और इसको सिंप्लीफाई करना चाहें बेटा, इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर क्रॉस, इसको लिख सकते हैं एम इंटू वी वेक्टर, मोमेंटम को लिख सकते हैं एम इंटू वी वेक्टर। मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है और हमेशा क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट में कांस्टेंट क्वांटिटी को बाहर ले लेते हैं बेटा, ये प्रॉपर्टी ऑफ द ये वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी है, तो हम एम इसको बाहर ले लेंगे, ये अंदर क्या बचेगा बेटा आर क्रॉस वी ना, ये आर क्रॉस वी। तो मोमेंटम का डायरेक्शन देखना होगा, एंगुलर मोमेंटम डायरेक्शन देखना होगा तो आर क्रॉस वी, यानी अगर हम क्या करें आर क्रॉस वी पोजिशन वेक्टर और वेलोसिटी का डायरेक्शन देख लें, यानी पोजीशन वेक्टर की तरफ ये चारों उंगली करें और भी की तरफ कर्ल करें, तो अंगूठा जो होगा ना बेटा वो हमारा क्या बताएगा, अंगूठा हमारा बताएगा आपके एंगुलर मोमेंटम के डायरेक्शन को। ये वेक्टर के आपको वेक्टर के प्रोडक्ट से आप लोग को पता होगा कि कैसे दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तीसरा वेक्टर जो अगेन एक वेक्टर आता है उसका डायरेक्शन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, जस्ट राइट हैंड के कर्ल के नियम से हम इसको निकाल लेते हैं। अब मैंने ये देखा था कि अगर आर और भी के बीच में पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में, या कहें पोजीशन वेक्टर और मोमेंटम के बीच में अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच में एंगल 90 डिग्री हो गया, तो जो हमारा एंगुलर मोमेंटम आएगा बेटा ना, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो हमारा क्या आएगा एम वी आर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जब इसको आइडेंटिफाई करोगे, इसको और सिंप्लीफाई करोगे, तो एम आर क्रॉस बी को क्या लिख सकते हो बेटा आर वी साइन थीटा, क्योंकि दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हो तो क्या आता है ए क्रॉस बी क्या होता है ए बी साइन थीटा, तो ए यानी आर भी मतलब भी साइन थीटा ही आ गया। अब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री रख दोगे तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो आएगा यानी मॉड, ठीक है, मैग्नीट्यूड वो क्या आ जाएगा एम वी आर ना। तो जहां भी पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री होता है तो वहां डायरेक्ट हम एंगुलर मोमेंटम बराबर एम वी आर लिखते हैं, लेकिन जहां पे एंगल 90 डिग्री नहीं होता, कुछ एंगल होता है वहां पे हम आपका क्या लिखते हैं वेक्टर आर क्रॉस वी लिखते हैं, जैसे सर्कुलर मोशन। अब सर्कुलर मोशन देख सकते हैं ना बेटा, ये सर्कुलर मोशन क्या करता है, कोई पार्टिकल इस सेंटर के अबाउट, यानी मान लो ये एक्सिस है ना, ये एक्सिस है जो उसके सेंटर से पास हो रही है, इसके अबाउट कोई एम मास का पार्टिकल रोटेट कर रहा है, इसका जब हम लिखना चाहेंगे बेटा तो इसका वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी जब भी लिखेंगे हमको पता है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना होता है सर्कुलर मोशन में, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल होता है, स्पर्शी होता है। मान लो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर, इस पॉइंट पे निकालो तो स्पर्शी, इस पॉइंट पे निकालना होगा तो स्पर्शी, हमेशा जब भी सर्कुलर मोशन में पार्टिकल का वेलोसिटी का डायरेक्शन दिखाना होता है तो हम स्पर्शी ड्रॉ करते हैं ना, ये टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और ये हमारा यहां से इसका पोजीशन वेक्टर होगा यानी बेटा ये आर वेक्टर होगा। आप देख सकते हो कि आर वेक्टर और वी वेक्टर के बीच में ये हमको पता है ना कि जो रेडियस होती है और स्पर्शी होती है, रेडियस यानी त्रिज्या और स्पर्शी यानी टेंजेंट, उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होता है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है। तो सर सर्कुलर मोशन के केस में जब हम एंगुलर मोमेंटम लिखना चाहेंगे तो सीधे हम लिखते हैं बेटा एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम का जो हमारा मैग्नीट्यूड आता है वो एम वी आर आता है इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, क्योंकि वहां आर और वी के बीच में एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। लेकिन अगर 0 डिग्री हो गया दैट मीन एंगुलर मोमेंटम उसका मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि ये क्या इनके बीच में रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम। अच्छा ये भी चीज बताया था ना कि एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन फार्मूला होता है, यानी डायमेंशन फार्मूला ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जस्ट इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, ये मैंने बताया था बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है फॉर योर कंपटीशन एग्जाम पर्पस ना। अब जब आप जब जैम जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो आपको आगे देने हैं एमएससी लेवल की पढ़ाई करने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं कि चार ठो ऑप्शन दिए रहेंगे, पूछेगा कि बताओ कि इनमें से किस क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला के बराबर है। तो आपको याद रखना कि जो एंगुलर मोमेंटम का जो डायमेंशन फार्मूला होता है वो आपके प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन फार्मूला के बराबर आता है। और मैं समझ सकता हूँ कि इस तरीके का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बच्चे सीएसआईआर नेट क्वेश्चन देते हैं, यानी जो आपका पीएचडी लेवल की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है सीएसआईआर नेट ना, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था एक साल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आगे आते हैं, आगे बात करते हैं, हेडिंग डालते हैं आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, रिलेशन बिटवीन, क्या है बेटा, रिलेशन
बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, इसको हम ए एम से लिख रहे हैं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ए एम यानी एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच का क्या बटा, हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। हमको अभी तक दिमाग में एक चीज चल रहा होगा ना कि जब हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं बेटा, जरा सोचो कि जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा सा मैं चेंज करना चाह रहा हूँ, हाँ ठीक है, जब हम लीनियर मोशन पढ़ रहे होते हैं तो हमको ये पता होता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स आता है, एफ वेक्टर आता है, वो आता है डीपी अपॉन डीटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बदलाव को ही हम क्या बोलते हैं समय के साथ, ये हमारा इक्वेशन आता है लीनियर मोशन में। ये न्यूटन्स का नियम भी कहता है, इसको सॉल्व करने पे जब मास कांस्टेंट होता है, एफ बराबर एम इनटू ए, पहले यूनिट में यानी फिफ्थ यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रही, रोटेशन मोशन कर रहा है, तो बेटा रोटेशन मोशन में फोर्स जो होता है वो रिप्लेस हो जाता है टॉर्क से ना, टॉर्क से रिप्लेस हो जाता है, और वहां पे ये डीडीटी तो रहेगा ही ना, लेकिन वहां पे ये जो मोमेंटम है वो रिप्लेस हो जाता है किससे, वो रिप्लेस हो जाता है एंगुलर मोमेंटम से। तो कुछ इस तरीके का रिलेशन आना चाहिए कि टॉर्क बराबर जो मोमेंट ऑफ फोर्स है जो कि रोटेशन मोशन में आता है, टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम का जो रेट ऑफ चेंज आता है, यानी उसका जो परिवर्तन आता है समय के साथ, रेट ऑफ चेंज, वो हमेशा क्या रिप्रेजेंट करता है टॉर्क, जस्ट लाइक दैट फोर्स इक्वल टू डीपी अपॉन डीटी। ये लीनियर मोशन में होता है और ये हमारा क्या होता है बेटा, रोटेशनल मोशन में होता है, जब कोई पार्टिकल रोटेट करता है, ठीक है। तो हमने क्या दिया बेटा, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क, ये हमको फाइंड आउट करना है, और इसी पे हमको क्या करना है, इसी पे ये चीजें हमको आगे बढ़ानी है, ठीक है। चलो आते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि हमारा क्या होता है, जे वेक्टर बराबर क्या होता है, जे वेक्टर बराबर होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी, ये हमारा होता है ना, कभी कभी कैपिटल पी लिख दे रहा हूं, कभी कभी स्मॉल पी, तो घबराने की बात नहीं, आप लोग अपने नोटबुक में एक ही नोटेशन यूज करिएगा, आइदर कैपिटल पी और कैपिटल पी, हमारे दो आदत बहुत बुरी है, एक तो हम आर को इस तरीके से भी लिखते हैं बेटा, एक तो आर को इस तरीके से ना, तो कोई फिक्स नहीं रहता, ये बचपन की आदत है, तो दोनों प्रकार की दोनों आर ही मैं लिखता हूँ, तो उसे घबराने की बात नहीं है ना, और ठीक है कभी कभी कैपिटल पी कभी कभी स्मॉल पी वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो जाता है, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ आप लोग अपने नोटबुक में एक ही नोटेशन यूज करिएगा, क्योंकि एग्जाम में कॉपी चेक करता है, तो ये इस पर बड़ा ध्यान रखता है, ठीक है। तो ये चीज का थोड़ा सा अपने से करेक्शन करते हुए चलिएगा, ठीक है, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसका क्या निकालूंगा, हमको पता है कुछ ऐसा रिलेशन मिलने वाला है, तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, ये जो एंगुलर मोमेंटम आया है इसका रेट ऑफ चेंज निकाल लो, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, क्या बेटा क्या लिखोगे, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू द टी, समय के रिस्पेक्ट में बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी, डब्ल्यू आर टी विथ रिस्पेक्ट टू द टी, समय के सापेक्ष में दोनों साइड क्या कर देंगे, हम दोनों साइड इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, यानी हम क्या कर देंगे बेटा, क्या उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन को अवकलन कर देंगे, ठीक है। चलो अवकलन करो, इसको लिख सकते हैं बेटा dt ऑफ j वेक्टर, आई होप ये ग्रीन वाला आप लोग को दिख रहा होगा। अच्छा यहाँ दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो वही वाला फॉर्मूला, अगर आप लिखते हैं जैसे कि ये पढ़ा होगा ना बेटा, अगर दो क्वांटिटी है, ये a और b ये दो क्वांटिटी है, अगर इसका क्या निकालोगे बेटा, रेट ऑफ चेंज निकालोगे dt ऑफ a एंड b, तो इसको फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड ऐसे लिखते हो ना, फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, ऐसे dp ऑफ dt प्लस सेकंड इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट ना, ऐसे da/dt कुछ इस तरीके से लिखते हो ना, एक को कांस्टेंट रख के दूसरे का डिफरेंशिएशन और दूसरे को कांस्टेंट रख के पहले का डिफरेंशिएशन, लेकिन ध्यान रखना यहाँ बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमेशा याद रखना। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले r वेक्टर को ऐसे छोड़ दें, r वेक्टर क्रॉस लगाया, इसको डिफरेंशिएट किया पहले, तो dp वेक्टर अपॉन dt ये हो गया पहला, प्लस लगाया, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे, यानी इसको x को एक बार कांस्टेंट रख के इसको डिफरेंशिएट किया है, अब इसको कांस्टेंट रखेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो आ जाएगा dr वेक्टर अपॉन dt और क्रॉस इसको कांस्टेंट रखना है यानी p वेक्टर, ये सारी चीजें आई ना बेटा, ठीक है। देखो घबराने की बात नहीं है, एकदम होले होले आहिस्ता आहिस्ता हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जरा अब आओ थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, मजा आता है ना कलर से लिखने में। अब जरा ये देखो, इसको तो हमको लिखना ही है dj अपॉन dt, क्योंकि इसी की तो वैल्यू पता करनी है, तो इसको बेटा लिख लो dj अपॉन dt। अच्छा ये चेंज नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं, चेंज कर लेते हैं ना, ये हाथ से छूने पे नहीं चेंज होना, ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख लिया, ठीक है। अच्छा ये बताओ बेटा, ये क्या आ गया, r क्रॉस dp अपॉन dt, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, याद करो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, यहाँ कैपिटल p स्मॉल p से घबराना मत, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, लीनियर फोर्स, ठीक है। तो यहां से आ गया बेटा ये r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, ये आया r क्रॉस f,
सर ये क्या आया, ये कुछ नहीं आया, जरा इसको देखो, dr upon dt, dr upon dt, rate of change of position with respect to the time is called velocity. पढ़े होगे ना, इसको v वेक्टर लिख दिया बेटा, velocity वेक्टर क्रॉस मोमेंटम क्या होता है बेटा, मोमेंटम को भी लिख सकते हो m into v वेक्टर, सीधे m into v वेक्टर. अब आपको अच्छा पता है कि ये वाली क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, कैसे, जरा इस वाली क्वांटिटी को मैं यहां लिखने की कोशिश कर रहा हूं, v वेक्टर क्रॉस, इसको लिख दिया m into v वेक्टर. हमको पता है मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है तो मास को बाहर पुट आउट कर लो, पुल आउट कर लो तो क्या बचेगा बेटा, v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर. अच्छा ये बताओ, ये दो वेक्टर है ना, अरे इनका मैग्नीट्यूड लिखो, क्रॉस प्रोडक्ट हटाओगे तो आएगा वी वी साइन ऑफ थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही जैसे हैं तो उनके बीच का जो एंगल होगा वो जीरो डिग्री होगा ना. जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि आई क्रॉस आई इसकी वैल्यू कितनी होती है, आई क्रॉस आई की वैल्यू जीरो होती है. इस तरह जे क्रॉस जे की वैल्यू कितनी होती है, जे क्रॉस जे की भी वैल्यू क्या होती है, जीरो. इसी तरह के क्रॉस के की वैल्यू भी कितनी होती है, ये सब वैल्यू जीरो होती है. क्यों, क्योंकि ये सब वेक्टर एक ही है तो डायरेक्शन भी दोनों वेक्टर का, दो वेक्टर का डायरेक्शन एक ही तरफ है, यानी थीटा बराबर जीरो डिग्री है. जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हटाते हो तो साइन थीटा वाला टर्म आता है और साइन थीटा साइन जीरो जीरो, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जीरो आ जाएगी. तो m इंटू जीरो m मल्टीप्लाइड बाई जीरो, दैट मीन्स ये जीरो आ जाएगा. यानी ये वाला जो टर्म है, ये जो टर्म लिखा है बेटा, इस टर्म को जीरो हो जाना है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर, इस टर्म को पूरा जीरो हो जाना है. तो हमारा क्या टर्म बना, अगले पेज पे लिखने की कोशिश करते हैं बेटा, ये क्या बना जरा यहां से नोट करो, यहां से बना हमारा क्या, ये बना डी जे वेक्टर डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू क्या बना बेटा, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे आपके एग्जाम में प्रूफ करने के लिए जो छोटे मोटे क्वेश्चंस होते हैं या बड़े क्वेश्चंस में भी आपका ये आ सकता है, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू राइट इट वेरी इंपॉर्टेंट. ये पूछ देता है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड द टॉर्क, यानी एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के बीच में रिलेशन डिराइव करो. तो मान लोगे कि लेट अ रिजिड बॉडी ऑफ मास एम, ऐसे मानोगे ना, देखो कहां से लिखना शुरू किया था, लेट अ रिजिड बॉडी ऑफ मास एम इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस, देन इट्स लीनियर, इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डिफाइंड बाय जे वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, वेयर पी इज इक्वल टू एम इनटू बी, ये सब दिखा देना. नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड टी के सापेक्ष में अवकलन करने पे, ये करना मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसको दिखा देना. चूंकि ऐसे दिखाना, चूंकि क्या होता है बेटा, ये वाली टर्म जीरो होती है क्योंकि v क्रॉस v बराबर क्या आता है, जीरो आता है, दैट्स व्हाई ये वाला टर्म जीरो हो जाएगा. हेंस वी फाइंड आउट दैट dj अपॉन dt रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू r क्रॉस f, दैट मींस dj वेक्टर अपॉन dt इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, r क्रॉस f को ही टॉर्क बोलते हैं, तो ये टॉर्क आ गया. दैट मींस एंगुलर मोमेंटम के परिवर्तन को, समय दर परिवर्तन के समय दर को हम क्या बोलते हैं बेटा, टॉर्क से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी बल आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ फोर्स से इसको रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अच्छा ये तो टर्म आ गया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया. तो जब अब लीनियर मोशन में क्या लिखते हो बेटा, अब लीनियर मोशन में एफ इक्वल टू क्या लिखते हो, एफ इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी लिखते हो, डी पी अपॉन डी टी लिखते हो ना. ठीक है, तो अब रोटेशन मोशन में टॉर्क बराबर लिखोगे क्या, डी जे अपॉन डी टी. सारा टर्म आप लोगों ने पढ़ लिया है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहे हैं, अगर वेक्टर लिखना होगा तो यहाँ वेक्टर, यहाँ वेक्टर, यहाँ वेक्टर और यहाँ वेक्टर ना. ये टर्म आप लोगों ने पढ़ लिया कि ये लीनियर मोशन में है, ये लीनियर मोशन वाला फोर्स है, ये रोटेशनल मोशन वाला फोर्स है, टॉर्क बराबर आर क्रॉस एफ. ठीक है, अब जरा सोचो कि इसमें एफ बराबर क्या लिखते हैं, एफ बराबर क्या लिखते हैं, एम इंटू ए, ऐसे लिखते हैं बेटा, एम इंटू ए ऐसा कुछ लिखते हैं ना. लीनियर मोशन में फोर्स बराबर, इसी चीज को सॉल्व करने के बाद ये आता है एफ बराबर एम इंटू ए, आगे का जस्ट बचा रहा है. तो ये टॉर्क बराबर भी तो कुछ आएगा ना, मास मल्टीप्लाइड बाई एक्सिलरेशन, और जब पार्टिकल रोटेट करता है तो उसका एंगुलर एक्सिलरेशन आता है जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. सर्कुलर मोशन में पढ़ा होगा लीनियर एक्सिलरेशन ए और क्या बोलते हैं एंगुलर एक्सिलरेशन, कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना बेटा. कोणीय त्वरण बराबर क्या होता है, डी ओमेगा बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ना, ऐसा होता है सारी चीजें. अरे आप जरा समझो कि यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे विस्थापन को ऐसे से रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर मोशन में, वहां पे विस्थापन को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ कहते हैं कि जो वेलोसिटी आती है इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी एस बाई डी टी, ऐसे अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाहें ऐसे ऐसे लिखना चाहें, और यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी आती है वो डी थीटा बाई डी टी, यहाँ पे विस्थापन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आता है, क्या एक्सेलरेशन आता है, वो आता है डी वी वेक्टर बाई डी टी, ये लीनियर मोशन में ये आता है, और सर्कुलर मोशन में रोटेशनल मोशन में हमारा ये अल्फा आता है, और क्या आता है डी ओमेगा बाई डी टी, अगर वेक्टर क्वांटिटी वेक्टर में लिखना है तो ऐसे वेक्टर लगा दो इनके ऊपर. ठीक है, तो ये सारी चीजें होती हैं. ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं.
ये लीनियर मोशन में, एंगुलर मोशन में। तो बेटा यहां तो हो गया एक्सीलरेशन, ये रिप्लेस हो गया अल्फा से, जिसको हम एंगुलर एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ मास की जगह भी तो कोई क्वांटिटी आएगी ना बेटा, मास की जगह भी तो कोई क्वांटिटी आएगी, तो यहाँ मास की जगह क्वांटिटी जो आएगी ना बेटा, उसको लिखोगे आई, यानी मोमेंट ऑफ इनर्सिया। और यही आने वाले कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है। यहाँ पे मास रिप्लेस हो जाता है क्या, मास जो रिप्लेस हो जाता है मोमेंट ऑफ इनर्सिया से, इसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो रोल मास प्ले करता है इन द लीनियर मोशन, लीनियर मोशन में रेखीय गति में जो मास का रोल प्ले करता है बेटा, वही रोटेशनल मोशन में आई प्ले करता है। आई का काम रोटेशनल मोशन में, जो हमारा लीनियर मोशन में जो मास काम करता है लीनियर मोशन में, वही रोटेशनल मोशन में आई काम करता है, ठीक है। तो आई फिजिकली मीनिंग जो है वो आई एम के बराबर है, लेकिन जब इसको देखेंगे तो आई बराबर क्या होता है, बेसिकली आई बराबर एम आर स्क्वायर, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये हमको पढ़ना है मोमेंट ऑफ इनर्सिया आने वाले लेक्चर में। तो आप इस तरीके से भी ले सकते हैं, और ये रिलेशन भी हमको डिफाइन करना है, ठीक है। इतनी चीज हम लोगों ने फाइंड आउट की, ठीक है। अब अगला हेडिंग डालो, ये थोड़ा सा अलग हट के बता दिया, आने वाले समय जस्ट यहां से आप समझ जाएंगे ना, तो ये रिलेशन आपको याद रहेगा, बस इसको प्रूफ करने की जरूरत है। टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, अल्फा कैसे आया बेटा, क्योंकि अल्फा ए जो है वो लीनियर मोशन में है, तो लीनियर एक्सीलरेशन, रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा, तो क्या एम आई से रिप्लेस हो गया। आई का फिजिकल मीनिंग वही है जो एम का है लीनियर मोशन में, ठीक है। अब यहां पर डालेंगे हेडिंग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या बेटा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यानी कोड़ी तोड़ का हमारा संरक्षण कब होता है बेटा, जरा ये समझो। इसी वाले फोर्स में तुम बोलते हो ना कि अगर किसी वस्तु पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स वो हमारा जीरो हो जाए, ऐसा न्यूटन के नियम से कहते हो ना कि लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, दैट मीन्स इसका डीपी अपॉन डीटी की वैल्यू वो हमारी क्या आ जाएगी बेटा, जीरो हो जाएगी। और किसी भी क्वांटिटी का अगर डिफ्रेंसिएशन जीरो है, दैट मीन्स वो क्वांटिटी हमारी क्या है, क्वांटिटी हमारी कॉन्स्टेंट है। तो ये ऐसे आता है, कहते हैं किसी पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम को कंजर्व रहता है बेटा, बोलते हो कि जब उस पार्टिकल पे लगने वाला जो हमारा फोर्स होता है, एक्सटर्नल फोर्स होता है जो कि F है, अगर वो जीरो हो जाता है तो उस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम यानी P कंजर्व रहता है, वो कॉन्स्टेंट क्वांटिटी रहती है, वो बदलती नहीं है थ्रू आउट द मोशन। जस्ट इसको भी समझने की कोशिश करो बेटा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लिखेंगे क्या, जरा हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इफ क्या बेटा, इफ हमारा टॉर्क बराबर जीरो, अगर किसी पार्टिकल पे यानी किसी बॉडी पे लगने वाला टॉर्क यानी कि आघूर्ण अगर जीरो हो गया, सपोज दैट किसी सिस्टम पे कोई आघूर्ण नहीं लग रहा है, दैट मींस क्या आ गया, टॉर्क जीरो हुआ, इसका मतलब है कि डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू किया हो गया बेटा जीरो हो गया ना। अगर किसी भी क्वांटिटी का अगर डिफ्रेंसिएशन जीरो हुआ है किसी के रिस्पेक्ट में, दैट मीन्स उसका क्या है बेटा, जे इक्वल टू क्या है बेटा, जे इक्वल टू कांस्टेंट है, यानी जे जो है वो समय के साथ बदल नहीं रहा है, जे हमारा क्या है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जस्ट लाइक दैट कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन में एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट जीरो हो जाता है, और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन में टॉर्क जीरो हो जाता है। तो किसी भी सिस्टम पे अगर टॉर्क जीरो लग रहा है, दैट मींस उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या रहता है, कंजर्व रहता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था कि dA upon dt is equal to L upon 2m, Kepler's का लॉ, सेकंड लॉ प्लेनेटरी मोशन के लिए, dA upon dt, यानी एरिया स्वेप्ट बाय, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। जब कोई प्लेनेट रिवॉल्व करता है किसी दूसरे प्लेनेट के अराउंड, तो उसका एंगुलर मोमेंटम यानी जो L रहता है बेटा, यानी L की बात करें या J की बात करें, वो हमारा कॉन्स्टेंट रहता है, ठीक है। या कोई हैवी न्यूक्लियाई डीके होता है, क्षय होता है, तो उसके क्षय में भी एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। कुछ एग्जाम्पल्स है कि एंगुलर मोमेंटम कैसे कैसे, जो कोई प्लेनेट रिवॉल्व करता है उस प्लेनेट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। जब कोई हैवी न्यूक्लियर डिके करता है, क्षय करता है, तो जब उसमें से कुछ अल्फा बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, तब भी उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। तो ये क्या है, ये भी पूछ देता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क जीरो होता है, किसी सिस्टम पे लगने वाला टॉर्क जीरो होता है, दैट मींस ये हमारा उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, ठीक है। ये हमने रिजिड बॉडी के लिए एंगुलर मोमेंटम डिफाइन किया। अब हम बात करेंगे एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। क्या करेंगे बेटा, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, क्या करेंगे बेटा, एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, इसको अरेंज करेंगे ना, ठीक है। क्या लिखेंगे बेटा, रिलेशन बिटवीन, ये क्या हो गया, ठीक है चलो इसको लिखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसका चेंज करते हैं, रिलेशन बिटवीन, आई होप कि दिख रहा हो, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम
एंड टॉक, टॉक फॉर फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इससे पहले हम रिजिड बॉडी के लिए बात कर रहे थे ना, एक सिंगल पार्टिकल के लिए बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। इसका मतलब क्या बेटा, एक ऐसा कोई सिस्टम होगा जो बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अभी इससे पहले कोई हम क्या कर रहे थे बेटा, इससे पहले किसी सिंगल पार्टिकल की बात कर रहे थे जो एम मास का था, वही एम मास का पार्टिकल रोटेट कर रहा था, उसके लिए टॉर्क लिखा था, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम लिखा था, फिर रिलेशन फाइंड आउट कर लिया था, ये किसी सिंगल पार्टिकल के लिए था। मान लो कोई बॉडी है, कोई एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ऐसे 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 ये तमाम, मान लो यहाँ पे ये एन नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है, और हर एक पार्टिकल का मास m1, m2, m3, डॉट 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 समथिंग ऐसे करके है, हमारा क्या है ये। तो अब ये पूरी बॉडी अगर रोटेट कर रही है तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लेकर हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमको पता है कि जब हम j वेक्टर लिखेंगे, जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा j वेक्टर, वो हर एक पार्टिकल के वेक्टर सम के बराबर होगा, j1 वेक्टर प्लस j2 वेक्टर प्लस j3 वेक्टर, ऐसे ऐसे जितने भी पार्टिकल्स होंगे सबका एंगुलर मोमेंटम को जोड़ के उसका वेक्टर सम कर देंगे बेटा, तो हमारे इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, nth n पार्टिकल हैं, तो सबका क्या आ जाएगा बेटा, सबका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। क्यों आएगा अलग अलग एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है बेटा, j is equal to बेटा क्या होता है, r क्रॉस ऐसे वेक्टर के अंदर m into b, यानी p यानी m into b। मैंने बोला था जब कोई पार्टिकल रिजिड बॉडी जो कि सिस्टम ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जब वो किसी एक्सिस के अबाउट, मान लो ये एक्सिस है बेटा, ये एक्सिस है, मान लो इसी एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रही है, क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो मैंने बोला था कि हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम हो सकता है, लेकिन हर एक पार्टिकल का भी जो होगा वो अलग अलग होगा, मास भी अलग अलग है और भी अलग अलग है, दैट मींस उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा हर एक पार्टिकल का वो अलग अलग होगा, ठीक है। क्या सेम रहता है, जब पार्टिकल कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी रिजिड बॉडी रोटेट करती है तो उसके अंदर जितने ही पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल का ओमेगा सेम होता है, सभी पार्टिकल्स का ओमेगा सेम होता है, वो बराबर होता है जिस ओमेगा के साथ वो पूरी बॉडी रोटेट कर रही है, उसके अंदर के जितने पार्टिकल होंगे सभी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहे होंगे, इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे, लेकिन हर एक बॉडी का, हर एक पार्टिकल का वी अलग अलग होगा और मास अलग अलग होगा, तो मास अलग है, वी अलग है, ठीक है, और पोजीशन वेक्टर भी इस एक्सिस से सबका पोजीशन वेक्टर भी अलग अलग है, दूरी भी अलग अलग है, दैट मींस कि वी अलग, एम अलग, आर अलग, दैट मींस उसका एंगुलर मोमेंटम भी अलग। तो ये पहले वाले पार्टिकल का जे वन, दूसरे वाले पार्टिकल का जे टू, जे थ्री, जे फोर, डॉट 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 डॉट, हमारा ऐसे जितने भी पार्टिकल होंगे सबका वेक्टर का उसका वेक्टर सम कर देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जे वेक्टर आ गया बेटा, वो जे वेक्टर क्या आ गया, वो क्या आ गया, समेशन ओवर आई ना, i बराबर कहां से बेटा, 1 से n तक वेरी करेंगे, समेशन के फॉर्म में लिखेंगे ना, इसको लिख लेंगे क्या बेटा, j i, ऐसे लिख लेंगे ना, i बराबर 1 रखेंगे तो j1, i बराबर 2 रखेंगे तो इसका यहां पे ऐसे वेक्टर फॉर्म लगा दिए। तो ऐसे हम टोटल जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा, तो जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम कर दो और उनको जोड़ दो, वेक्टर के तरीके से जोड़ दो, तो पूरा का पूरा हमको क्या मिल जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। J1 क्या है, एक छोटे से पार्टिकल, यानी ये जो लिख रहा है ना व्हाइट, ये येलो वाला, उसका एंगुलर मोमेंटम अलग क्यों है, ये भी मैंने बताया कि भी अलग, आर अलग, एम अलग, एंगुलर मोमेंटम भी अलग अलग, ठीक है। अब क्या लिख सकते हैं, इस J वेक्टर कुछ ऐसे लिख सकते हैं बेटा, J वेक्टर बराबर, इसको कुछ ऐसे अपने मन में विचार आया कि इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, J बराबर I बराबर 1 into n, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर आई पोजिशन वेक्टर भी हर एक पार्टिकल का अलग अलग, मोमेंटम क्या लिखते हैं, आर आई और पी वाई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे ही तो लिखते हैं ना मोमेंटम को, आर क्रॉस पी, तो जी आई लिखेंगे तो आर आई क्रॉस पी आई, आईएथ पार्टिकल, आईएथ पार्टिकल का अगर हमको एंगुलर मोमेंटम लिखना होगा तो आर आई क्रॉस पी आई, यानी आईएथ पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, मान लो यही कोई आईएथ पार्टिकल है, तो आईएथ पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, आईएथ पार्टिकल का मोमेंटम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे तो आईएथ पार्टिकल का हमारा क्या आ जाएगा बेटा, एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा, और उसी आई को वेरी करा देंगे 1 से एन तक तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे मिल जाएगा। ये हमको मिल गया, यहां से हम लोगों ने यहां तक कलाकारी कर लिया, ठीक है। अब जरा और एक चीज पर विचार डालो, प्रकाश डालो, फोकस करो, प्रकाश जी प्रकाश डालिए, ठीक है। तो अगर कोई बच्चा प्रकाश नाम का होगा तो उसे प्रकाश डालेगा, ठीक है। क्या करेंगे, डीजे अपॉन डीटी निकालेंगे, इसका रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, डीजे, ये वो डीजे वाला जी शादी ब्याह में बसता है वो डीजे नहीं है, ये जे फॉर एंगुलर मोमेंटम है, एल भी लिख सकते हो आपका मन है, ठीक है। इसका कर दो, इसका समेशन कर दो, तो समेशन हमेशा क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन से बाहर हो जाता है, उसको कोई दिक्कत, उसको डिफ्रेंसिएशन से कोई समस्या परेशानी नहीं है, जब दोनों से अवकलन करोगे ना बेटा, ठीक है। तो ये क्या है, जे जो है वो जे टोटल एंगुलर मोमेंटम, याद रखना ये टोटल एंगुलर मोमेंटम, नेट एंगुलर मोमेंटम आ रहा पूरे सिस्टम का, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, उसी तरीके से हमने पहले किया था, इसी तरीके से जब इसका डीजे अपॉन डीटी निकाला था, रेट ऑफ चेंज ऑफ निकाला था,
ये जस्ट लाइक दैट, ये जो हमारा रेट ऑफ चेंज ये इसी तरीके से, बस यहाँ समेशन लगा है और कुछ है नहीं, और आर आई की जगह ये है सारा सिस्टम, ठीक है। हमने क्या किया, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा पहले वेक्टर कॉन्स्टेंट रखते हुए, यानी ऐसा रख देंगे आर आई वेक्टर, ठीक है, क्रॉस डी पी आई वेक्टर अपॉन डी टी प्लस, ठीक है, और समेशन हम पूरे में लगाते हैं ना, इसको बड़े ब्रैकेट में करता, ये समेशन दोनों जो आएंगे प्लस उसमें दोनों में है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, इधर हम लिख लेंगे, इधर क्या डी आर आई वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाई डी टी क्रॉस ये हमारा पी आई वेक्टर, ठीक, और ये हमारा बंद है ऐसे ब्रैकेट, समेशन अभी सब में लगा हुआ है, ठीक है। ये चीज क्या आ गई, ये डी पी आई, ये फोर्स आ गया एफ आई, यानी हमारा क्या आ गया डी जे आई डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू समेशन ओवर आई बराबर वन टू एन, ठीक है, और इसके अंदर क्या आ जाएगा बेटा, ये आर आई आ गया, आर आई वेक्टर क्रॉस डी पी आई मतलब एफ आई वेक्टर, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम एफ आई वेक्टर प्लस ये वाला टर्म बता क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ये हमारा वेलोसिटी आएगा, तो मोमेंटम का ये वाला टर्म क्या है, जब इस बार इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा वी आई क्रॉस एम वी आई, और वही वाली चीज फिर एम को बाहर कर लोगे तो एम ये बच जाएगा वी आई क्रॉस वी आई, दैट मीन्स क्या आ जाएगा वी आई क्रॉस वी आई, उसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो ये वाला जो टर्म हो जाएगा ना बेटा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि ये वाला जो टर्म आ जाएगा, ये वाला टर्म हमारा जीरो को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या आ जाएगा, डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू समेशन ओवर ये आर आई प्लस आर आई क्रॉस एफ आई, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा जरा देखना, ये आ जाएगा हमारा डी जे वेक्टर अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, समेशन ओवर आई टू एन, ना जहां आई की वैल्यू वन से स्टार्ट हो रही है, आई बराबर वन टू एन, ये अंदर क्या आ गया आर आई क्रॉस एफ आई, दैट मीन्स ये टाउ आई आ गया ना, क्योंकि टाउ बराबर क्या होता है वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ ना, तो आर आई क्रॉस एफ आई दैट मीन्स टाउ आई आ गया, ठीक है, यहां से देख लो ये आर आई क्रॉस एफ आई दैट मीन्स ये टाउ आई आ गया, और टाउ आई यानी कि जब हम टाउ आई यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये है टाउ वन प्लस टाउ टू, यहाँ वेक्टर क्वांटिटी लगा दें, टाउ वन वेक्टर प्लस टाउ टू वेक्टर प्लस टाउ टू टाउ थ्री वेक्टर प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने भी पार्टिकल्स हैं हर एक पार्टिकल का टॉर्क निकाल कर तुम जोड़ दो तो टोटल टॉर्क मिल जाएगा, यानी समेशन ओवर आई बराबर वन टू एन टाउ आई इसको बोल लो टोटल टॉर्क, यानी नेट टॉर्क आ गया, इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, नेट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, ये हमारा आ जाएगा टाउ, और यह क्या आ जाएगा, ये नेट टॉर्क के बराबर आ जाएगा, ये हमारा ऐसे आ गया। तो नेट एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज आता है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि डी जे वेक्टर ये नेट एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम है, डी जे नेट अपॉन डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा टॉर्क नेट, ठीक है, जो और नेट टॉर्क कैसे निकालोगे, जितने भी पार्टिकल्स हैं सभी पार्टिकल का टॉर्क निकाल के जोड़ दो वेक्टर सम कर दो, और क्या कर दो जितने भी हमारे पार्टिकल सभी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल को वेक्टर सम करके जे नेट निकाल के उसका डिफरेंशिएशन कर दो तो डी जे नेट अपॉन डी टी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब नेट में भी, अब नेट टॉर्क में भी दो प्रकार का टॉर्क होता है, टॉर्क इंटरनल प्लस टॉर्क एक्सटर्नल, ठीक है, दो प्रकार का टॉर्क होता है बेटा ना, देखो दो प्रकार का बल लगता है किसी पार्टिकल के अंदर, एक इंटरनल जो उसका एमजी ओमजी एक्ट करता है ना, जो इंटरनल फोर्सेस की वजह से जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है, इन सब फोर्सेस की वजह से बेटा उनके अंदर एक फोर्स काम करता है, इंटरनल फोर्स होता है, और एक्सटर्नल फोर्स जो तुम बाहर से अप्लाई करते हो उसको एक्सटर्नल फोर्स की वजह से टॉर्क क्रिएट होता है। तो दो तरीके से जो नेट टॉर्क होता है ना, वो दो तरीके के बराबर होता है, जो नेट टॉर्क आता है किसी सिस्टम के अंदर वो दो तरीके से आता है, एक टाउ इंटरनल आंतरिक बल की वजह से प्लस टाउ इंटरनल एक तुम जो बाहर से लगाते हो बाह्य बल की वजह से जनरेट होता है, लेकिन इंटरनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क आता है वो हमेशा जीरो आता है, हमेशा ध्यान रखना इंटरनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क आता है वो हमेशा ही जीरो आता है, इंटरनल फोर्स की वजह से जो टॉर्क आता है मेरे मुन्ना वो हमेशा ही क्या आता है, हमेशा ही जीरो आता है। पूछो सर क्यों आता है इंटरनल फोर्स की वजह से टॉर्क जो हमारा क्यों जीरो आता है ये इस पे? क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो इंटरनल फोर्स आते हैं ना वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, एक इधर लगता है तो एक इधर लगता है, मान लो इधर टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका एंटी क्लॉकवाइज ये टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, दोनों आपस में कैंसिल आउट कर देंगे, जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, जैसे दो मासेस हैं अगर ये इस पे बल लगा रहा तो ये भी तो इस पे बल लगाता है ना, दो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो ये भी तो उसपे फोर्स लगाएगा, तो यही सब इंटरनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, ये सब क्या होते हैं इंटरनल फोर्सेस के अंदर आते हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स जो इंटरनल फोर्सेस के अंदर आते हैं उनके द्वारा कोई भी टॉर्क नहीं लगता, वो कभी भी टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, हमेशा याद रखना इंटरनल फोर्सेस डज नॉट क्रिएट एनी टॉर्क,
इंटरनल फोर्सेस कोई भी टॉर्क क्रिएट नहीं करते क्योंकि वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। अगर एक लगेगा भी तो दूसरा उसका अपोजिट उसको कैंसिल आउट कर देगा। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंटरनल फोर्सेस डज नॉट, इंटरनल फोर्सेस दैट मीन कंजर्वेटिव फोर्सेस डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क इन द सिस्टम। ये नोट कर लेना कि इंटरनल फोर्सेस को ही कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स किसी भी प्रकार का टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता है। यानी जीएफ जो है आपका जीएफ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करता है। स्प्रिंग फोर्स आपका टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता है क्योंकि ये सब इंटरनल फोर्सेस के अंदर आते हैं। इसके लिए क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि वो दोनों हमेशा इक्वल एंड अपोजिट आते हैं। अगर ये इस पे लगा तो वो भी इस पे लगाता है। तो मान लो अगर एक टॉर्क क्रिएट करेगा भी तो दूसरा का उसको अपोजिट टॉर्क क्रिएट करके उसको जीरो कर देगा। इसका मतलब अब जो रिजल्ट आया है, इसका मतलब है कि आप ऐसे लिख सकते हैं डी जे नेट, जो नेट टॉर्क में परिवर्तन आया है डी जे अपॉन डी टी इक्वल टू, वो किसके वजह से आया है, टॉर्क ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, उस बॉडी पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के बराबर आया है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया, ये हमारा लेसन बना फॉर द सिस्टम ऑफ पार्टिकल। ठीक है, तो ये हमारा क्या आया, ये हमारा इंपॉर्टेंट लेसन है। ये पॉइंट नोट कर लेना, जो मैंने जीरो बोला है तो लिखना टाउ इंटरनल जीरो इसलिए है, टाउ इंटरनल जीरो इसलिए हो गया क्योंकि, ठीक है, इंटरनल फोर्सेस डज नॉट क्रिएट एनी टॉर्क। जो आंतरिक बल होता है यानी वो कोई भी प्रकार का टॉर्क क्रिएट नहीं करता है, आघूर्ण क्रिएट नहीं करता है। तो बस आज इतना रहने देते हैं, लेकिन जाने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज हमारा छोटा सा एक प्रयास रहता है कि आप सभी लोग को एकदम कम से कम खर्च में आप लोग का सारा बर्डन उठाया जाए, सारी जिम्मेदारी उठाया जाए। उसी का एक प्रयास है कि हम लोगों ने नवोद्भव 3.0 जो हमारा बैच है, इसमें बेसिकली बीएससी मैथ, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर और बीकॉम की क्लासेस चलाई जाती हैं। तो ये इसलिए है कि जो बच्चे नए हैं, जो नहीं जान रहे हैं, जो बच्चे ऑलरेडी मेरे पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही है, ठीक है, लेकिन जो बच्चे नहीं है उनको बस ये भरम में आ रहा है कि सारी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड कर पाना ये थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, तो कुछ ही वीडियोस जा पाती है। लेकिन हाँ, पूरी पढ़ाई इस ऐप के अंदर चलती है बेटा। पूरे एक साल का ये कोर्स होता है, 6 महीने का, 1 साल की वैलिडिटी होती है, 6 महीने का आपका ये कोर्स होता है बेटा एक सेमेस्टर का, और 1,199 रुपये इसकी प्राइस है, ऑफर के थ्रू ये चल रहा है, ठीक है, 1,999 का ये बेटा, लेकिन ऑफर के थ्रू 1,199 रुपये का ये चल रहा है। ठीक है, आप इसको यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। 6 मंथ का ये कोर्स होता है, 1 साल की वैलिडिटी होती है। क्या क्या इसमें फीचर्स है बेटा, इसमें आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज मिल जाएंगे, ठीक है, जो आपके डाउट सेशंस होंगे वो लाइव होंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर सीरीज आपको डे पर डे आपको अपलोड किए जाएंगे, ठीक है, लाइव डाउट सेशंस मिलेंगे, जो आपके डाउट सेशंस होंगे आप अगर आपका व्हाट्सएप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है तो उसमें आप मैसेज करेंगे तो आपको लाइव डाउट सेशन भी दिए जाते हैं। क्लास नोट्स के साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको क्लास नोट्स दिए जाते हैं, जो हम लोग के हैंड रिटन नोट्स होते हैं, और जो ये पढ़ाया जाता है इसका पीडीएफ, इसको हैंड्स आउट बोलते हैं, वो पीडीएफ भी आपको दिया जाता है। पीवाईक्यू विद द सॉल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, कि हर साल जैसे चैप्टर कंप्लीट होता है, हर साल का पीवाईक्यू कराया जाता है सॉल्यूशन के साथ, और नेक्स्ट है मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर। कुछ सैंपल क्वेश्चन पेपर जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपका मॉडल सैंपल क्वेश्चन पेपर देकर आपका टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको टीचरों की स्पेशल गाइडेंस मिलती है जब तक आप एग्जाम होते हैं, और एग्जाम पास करने के बावजूद भी टीचर जो आपके गाइडेड करते रहते हैं। ठीक है, तो कोर्स जो आपका 5 मंथ है, वैलिडिटी 1 ईयर की होती है। कुछ अगर इंफॉर्मेशन अगर मिस हो गई हो तो आप जानने के लिए जो नंबर है, ऑफिशियल नंबर है 6387986764 पे आप कॉल करके आप यहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। और नहीं है तो DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिए, वहां से आगे सारी चीजें आपको इजी हो जाती है। कुछ वहां डेमो भी पड़े हैं, आप वहां डेमो देख सकते हैं, डेमो देने के बाद आप परचेस कर सकते हैं। बस ये कहना था कि हाँ, अगर पढ़ाई करना चाहते हो, मन लगा के पढ़ाई करना चाहते हो, अगर थोड़ी बहुत फिजिक्स सीखना चाहते हो, फिजिक्स को फील करना चाहते हो, तो यहाँ पे सारी क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड कर पाना मुश्किल होता है। तो इसको एक बार आप लोग जरूर ट्राई करिएगा, एक बार विश्वास करके देखिएगा, फिर आपको सेकंड थर्ड सेमेस्टर में कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, दैट्स ऑल, बस इतना था। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो हम बात करते हैं क्या इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रिजिड बॉडी के इक्वेशन ऑफ मोशन के, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई आया था उसका मतलब क्या है, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। बाय बाय।